मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारी स्वास्थ्य विषय श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय है दांत और मसूड़ के रोग, जिसमें आरसीटी और मसूड़ रोगों पर उपचार, ये हमारा आज का विषय है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर जी केड़िया और डॉक्टर मनमोहन जी सोनी। मित्रों, जिस तरह से कार्यक्रम का फॉर्मेट बदला है, हमारे एक्सपर्ट्स ने दर्शकों से अपील की थी कि यदि आपको इस विषय संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप हमसे सहर्ष कर सकते हैं। और ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। कई दर्शकों ने आग्रह किया था कि उनका नाम न लिया जाए, तो बिना किसी नाम के, पर ये मानिए कि एक बहुत अच्छा हमको एक रिस्पॉन्स मिला है, प्रतिसाद मिला है। और जो जो प्रश्न है, हम सीधे सीधे विशेषज्ञों के सामने रख रहे हैं और उनका उत्तर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर समीर जी, तो जिस तरह से आपने रोगों के लिए बताया कि मौसमी रोग क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, उपचार के विषय में आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? मसूड़ों के जो रोग है बेसिकली पायरिया, इसका जो उपचार होता है उसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। इसमें सर्जरी यह शब्द आता है, लेकिन इसमें एडमिट होने की या बेहोश करने की यानी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेंटल चेयर पे लोकल एनेस्थीसिया में यानी जितने भाग में तकलीफ है उतने भाग को सुन करके यह क्रिया की जाती है। इसमें मसूड़ों को दांतों के ऊपर से थोड़ा सा अलग हटा के यानी मसूड़ों को खोल के अंदर जो गंदगी है, जो मवाद है और जो सड़न है उसको साफ़ किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर हड्डी बनने का पाउडर, जिसे बोन ग्राफ्ट कहते हैं, वो वहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं और फिर मसूड़ों को यथावत अपनी जगह पे वापस लगा के उसमें टाके लगा दिए जाते हैं। टाके यह सुन के भी कई बार ऐसा लगता है कि यह पेनफुल प्रोसीजर रहेगी या इसमें दर्द होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया के असर के कारण और उसके बाद में 3 से 5 दिन की दवाई के कारण यह प्रोसीजर बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली है और पेशेंट को बिल्कुल भी इसकी तकलीफ़ नहीं होती है। 8 से 15 दिन के बाद में यह टाके को निकालना पड़ता है और उसके बाद में 1-2 फॉलोअप किसी के साथ में यह प्रोसीजर कंप्लीट की जा सकती है। टाके शब्द सुनने के बाद तो निश्चित संदेह होता है कि इस समय फिर खाने पीने पे कोई पथ्य परहेज आप बताते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसा है कि कड़क चीज़ें नहीं खाना चाहिए पेशेंट ने और बहुत गर्म या बहुत मसालेदार चीज़ें शुरुआती 2-3 दिनों में हम लोग खाने से मना करते हैं। इसके अलावा पेशेंट रूटीनली जो भी खाना रोज़ खाते हैं वो खा सकते हैं, अपना डेली का कार्यक्रम रोज़ का कर सकते हैं। किसी कार्य के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। अपनी दैनिक जो जीवनचर्या है वो आराम से वो व्यक्त कर सकते हैं। तो आपने हमारे दर्शकों का भी सांत्वना दिया है कि किसी तरह से भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, जी एनेस्थीसिया जरूरत नहीं है, ब्लड देने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है, भी नहीं, और काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर आपने बताई है। बिल्कुल पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है और उनके कोऑपरेशन के साथ ही हम ये प्रोसीजर करते हैं, तो उन्हें हर स्टेप की जानकारी रहती है कि क्या चल रहा है। मेरे पढ़ने में आया था कि जो स्टेम सेल कहते हैं कि जो हमारे शुरुआत के जो सेल किसी भी तरह से चेंज हो जाते हैं, तो उसका इस प्रोसीजर में कहीं उपयोग हो सकता है? उसका इस प्रोसीजर में जो उपयोग होता है वो अभी बहुत ही इन्फेंटाइल यानी रिसर्च स्टेज पे है। वैसे तो हम लोग रीजनरेशन की जब बात करते हैं कि हम लोग मसूड़े को और हड्डी जो गल गई है उसको फिर से बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो अभी तक हड्डी बनने का पाउडर बोन ग्राफ्ट इसी की उपयोगिता प्रूव हो सकी है। स्टेम सेल की उपयोगिता निश्चित ही है, लेकिन उसको कैसे इसमें यूटिलाइज करेंगे ये अभी बहुत ही शुरुआती दौर पे है, तो बहुत ठोस इसकी उपयोगिता डे टू डे हमारे प्रैक्टिस में अभी तक नहीं आ पाई है। निश्चित तौर से जो जिस जिसकी पूरी उपयोगिता हो सके, जिसका हर तरह से सिद्ध हो गया, उसी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन जी, जैसे परंपरागत जो एक पद्धति होती थी, एक तरीका होता था कि अगर दांत कहीं से खराब हो उसको निकाल लिया, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो अगर उसको जड़ से निकाल लिया जाए, तो अगर आप कह रहे हैं कि दांत की जड़ तक के अगर इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर जंतु पहुँच गया, वहाँ पर केरीज कैविटी हो गई है, तो एक तरीका होता है दांत निकालने का, दूसरा तरीका जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या होगा? देखिए, दांत अगर आप निकाल लेंगे तो सबसे मेन चीज़ आपको जो खाने में उपयोगी होता है वो भाग आपका चला जाएगा। उसके अलावा नॉर्मल एक सेंसेशन होता है आपको दांतों से, वो चला जाएगा। तो दांत निकालना किसी भी तरीके से, जब तक आपके पास ऑप्शन ही ना हो कि दांत बचा ही नहीं सकते, तब एक अलग चीज़ होगी। लेकिन जब तक ऑप्शन है आपको दांत बचाना यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट से करना ही सबसे सही काम है। उसके कई एडवांटेजेस रहेंगे, जैसे कि एक तो आप जो ओरिजिनल दांत रहेगा
नेचुरल जो भगवान ने दिया है वो रहेगा, तो आपका एस्थेटिक्स यानी कि देखने में सबसे अच्छा रहेगा। खाने पीने में सबसे उपयोगी एरिया वो रहेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद जब आप उस पर कैप लगा देते हैं तो जैसे आप पहले उसको यूज़ में ला सकते थे एक दांत को, उसी तरीके से बाद में भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दांत की नस अगर निकल गई मतलब दांत फिर कैसे उपयोगी है, क्योंकि दांत को आजू बाजू से, जैसा कि समीर सर ने बताया है कि उसको आजू बाजू से हड्डी मसूड़े ये सब उसको सपोर्ट देते हैं, तो वो दांत अपनी जगह पर रहेगा। दूसरा, अगर आपने दांत निकाल दिया तो जो आजू बाजू के दांत हैं वो उस खाली स्पेस में निकलने लगते हैं, वो बाजू के जो दांत हैं उनका घसाव थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये दांत चला गया जिस दांत को आपने निकाला है, तो जगह बन गई, जो जगह बन गई, तो आजू बाजू के दांत पर ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे जब आप खाना पीना खाएंगे, यानी मेस्टिकेटरी फोर्सेस जिसे कहते हैं। उसके अलावा ऊपर का जो दांत होता है, ऊपर के और नीचे के दांत जैसे आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं, तो जब अगर नीचे दांत नहीं है तो ऊपर वाला दांत धीरे धीरे अपने आप नीचे आने लगेगा, यानी एक दांत निकालने की वजह से आपके बाकी दांतों में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे जो कि अवॉइडेबल थे अगर आप उसको बचा लेते हैं। तो ये मुख्यतः ये सारे कारण रहेंगे कि आप दांत को बचा लीजिए। मैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मनमोहन जी हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे चबाने की प्रक्रिया होती है तो ये दोनों दांतों द्वारा होती है, लेकिन इसके लिए दोनों दांतों का एक दूसरे सरफेस जो होता है वो एक दूसरे मिलना चाहिए, और प्रकृति ने, ईश्वर ने इस चीज़ को इस तरह से बनाई है कि इसमें कहीं कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जहाँ तक संभव कोशिश की जाती है कि जो नेचुरल दांत है, जो हमारा नैसर्गिक दांत है उसको बचाए रखे। जहाँ तक कैप का संबंध है कि जहाँ हमारी दांतों की वो नेचुरिटी हमारी नैसर्गिकता को बनाए रखता है, साथ साथ में हमें जो सरफेस देते हैं कि उसको हम बराबर चू कर सके, चबा सके, और अगर ये सब चीज़ें बनी रहती तो हम एक जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं कि जिसपे पहले बंधन आ सकता है कि हम कड़क चीज़ें नहीं खा सकते, इसको अवॉइड करो वो अवॉइड करो, जीवन का हम पूरा आनंद ले सकते हैं। तो निश्चित तौर से हमारे युवा डेंटिस्ट अभिनंदन के और बधाई के पात्र हैं। सर आपको थैंक्स बोलते हैं। डॉक्टर समीर जी, क्योंकि जब इतनी महत्वपूर्ण प्रोसीजर है जो आपने काफ़ी आसान तरीके से समझाई है, फिर भी कहीं ना कहीं एक संदेह होता है कि आप बोले कि उसको मसूड़ के खोलना पड़ता है, टाके लगाना पड़ता है, तो इस विषय में आप मरीज से या उनके रिश्तेदारों से किस तरह का सहकार्य अपेक्षित करते हैं? सर, सबसे पहले तो मरीजों से यह अपेक्षित है कि जब उन्हें पायरिया के शुरुआती लक्षण दिखने शुरू हो तो वह कोई घरेलू उपाय न करते हुए, जैसे लौंग का तेल लगाना या फिटकरी लगाना या इसे टोटली अवॉइड करना या कुछ न करते हुए अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। हो सकता है ये शुरुआती दौर में अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो फ्लैप सर्जरी टोटली हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और अगर उन्हें पायरिया के संबंधित कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है तो उनसे ये अपेक्षित है कि वह ट्रीटमेंट के लिए जल्द से जल्द तैयार हो और वह ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि मुझे दर्द नहीं है, ये ट्रीटमेंट को मैं थोड़े दिन टाल दूंगा, तो जो ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में जब ट्रीटमेंट करवानी होती है तो अगर मरीज़ को कोई शारीरिक बीमारी है, अगर वो कोई दवाई ले रहे हैं, ख़ास तौर से खून पतला होने की दवाई ले रहे हैं, अगर उन्हें किसी दवाई से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो यह पूरा डिटेल उन्हें अपने डेंटिस्ट को बताना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद में जब डेंटिस्ट उन्हें रिकॉल विजिट के लिए यानी फिर तपासने के लिए जब बुलाते हैं, उस समय भी उनको आना बहुत ज़रूरी है। तकलीफ़ कम हो गई या तकलीफ़ ख़त्म हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि रिकॉल विजिट का महत्व ख़त्म हो गया। उस तकलीफ़ को मेंटेन करते रहे हम लोग उसको देखने के लिए फिर से पेशेंट को आना चाहिए, यह पेशेंट से अपेक्षित है। मैं तो जिस तरह की हमारी एक मनस्थिति होती है कि हम चाहे हमारी सहन शक्ति का परिचय देते हो या एक हमारी जो टालने की वृत्ति होती है कि हम जब तक के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, वेदना असह्य नहीं हो जाए, तब तक हम डॉक्टर का रुख नहीं करते। हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। इसके विपरीत अगर हम शुरुआत में चले जाएं तो जो आगे होने वाली बड़ी बड़ी प्रोसीजर्स है इसको हम टाल सकते हैं। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है कि हम उपचार से ज़्यादा बचाव पर जोर देते हैं। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रूट कैनाल कराने के बाद में जब आप कह रहे हैं कि जड़ तक जाके उसकी सफाई कर दी है, तो आमतौर पर एक धारणा होती है कि काम तो खत्म हो गया, जब रूट ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो अब क्यों दर्द। पर फिर कई बार कई एक्सपर्ट उसको दोबारा करने के लिए कहते हैं, तो हमारे एक दर्शक का ये प्रश्न है कि इस दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्या है। ये प्रश्न बहुत सही प्रश्न है।
इसमें ऐसा है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे कि हम री आर सी टी कहते हैं, यानी फिर से दोबारा रूट कनाल ट्रीटमेंट करो। इसके कई कारण हो सकते हैं इस प्रोसीजर को करने के, लेकिन सबसे प्रमुख कारण ये रहेगा पेशेंट की तरफ से जो गलतियाँ हो रही हैं, यानी कि गलतियाँ ना कहते हुए मैं कहूँगा कि कुछ लापरवाही कुछ उनकी तरफ। लापरवाही जो उनकी तरफ से हो रही है। वो एक बार रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया, अगर उसके पश्चात उसमें पक्का सीमेंट भरकर उसके ऊपर कैप नहीं लगाई गई, तो वो एरिया फिर से जो आप खाते पीते वक्त फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से दांत टूटने की कगार पे आ सकता है, यानी उसमें नया इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से। या अगर फिलिंग की ही नहीं तो नस खुली भी रहेगी, मतलब नस की ऊपरी परत जहाँ पर हमने छोड़ दी थी, यानी गट्टा पर्चा, वहाँ से नया इन्फेक्शन फिर से अंदर जा सकता है। ये एक कारण हो गया। दूसरा, कैप लगा ली थी, सब कर लिया था, लेकिन अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उस दांत में एक नया डिके यानी फ्रेश डिके फिर से लग सकता है। वो डिके लग के फिर से इन्फेक्शन हो गया तो हमें फिर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। फिर कभी कभी एक्सेसिव फोर्स, यानी नॉर्मली खाते पीते वक्त अगर वो दांत टूट जाता है तो उस केस में भी हमें री रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ सकता कई है। लोग बहुत बहादुर दिखाते हैं, दासी को जी हाँ जी, तोड़ने की कोशिश करते हैं, ढक्कन जैसे खोलने कि की कोशिश। ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ कड़क खाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि अगर उस दांत में फिर से नया इन्फेक्शन, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये तो है ही, इसके विपरीत या इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि अगर दांत को, कहीं पहले की चोट वगैरह जो आप कह रहे थे। हाँ, पहले की चोट वगैरह, जो जो पहले जो इन्फेक्शन था अगर समझ लीजिए वो पूरी तरीके से नहीं भरा, घाव अगर पूरा भरा ही नहीं था, तो ऐसे प्रोसीजर में भी हमें री रूट कनाल की तरफ बढ़ना पड़ सकता है। तो एक आम तौर पर एक जो धारणा होती है कि शायद कहीं गलती हो गई, तो इसमें जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे जो जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट के अक्सर एक टेंडेंसी होती है कि वो पूरा दोष डॉक्टरों पर डालते हैं, तो आपकी बात से मैं समझ, पूरा डॉक्टरों पर दोष नहीं होता है। जिस कारण से ये हुआ था, अगर मरीज ने उस कारण को दूर नहीं दूर किए नहीं किया। तो फिर वापस हो सकता हाँ है। जी, पर मैं एक जानकारी कि एक बार रूट कैनाल करने के बाद ये कितने दिनों तक काम कर सकता है? रूट कैनाल कितने दिन तक चलेगा, इसके लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि इट कैन लास्ट लाइफ, एक पूरी ज़िंदगी किसी की वो रूट कैनाल अच्छा रह सकता है। लेकिन इसके भी कई फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर आपने, जैसे आपको बहुत जल्दी रूट कैनाल की ज़रूरत जब पड़ गई थी, अगर आपने इमीडिएटली करवा लिया, यानी दांत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, अंदर हड्डी तक इन्फेक्शन नहीं गया था, तो ये फैक्टर्स जो रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पेशेंट ने कितनी जल्दी उस पर फिलिंग करा कर कैप लगवा ली थी, इसके हिसाब से उसका जो लाइफ रहेगी वो डिपेंड करेगी। बट अगर आपने सारी चीज़ें जल्दी करवा ली, आपने अच्छा मेंटेनेंस रखा, तो ये एक पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी इंसान की रह सकता है। तो घूम फिर के बात वही है कि पेशेंट का डेंटिस्ट का सहकार्य कितना है, उनका सहयोग कितना है, बिल्कुल और अंडरलाइंग अगर कोई कंडीशन चल रही है, जिस तरह से डॉक्टर समीर जी कहा कि डायबिटीज़ है, या अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है और जिस खान पान के अपनी आदतों पे साफ सफाई पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो एक कारण तो हो एक सकता कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो एक। है। डॉक्टर समीर, जिस साफ सफाई की बात चल रही है, तो हम आखिरी जो बिंदु पर खड़े हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रश्न कि इस साफ सफाई के विषय में आप क्या जानते हैं? क्योंकि मेरे पढ़ने में आया कि अगर खाने के बाद में 4 घंटे में जंतु तैयार हो सकते हैं और आपको कैरीज कर सकते हैं, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? सर, जैसा कि यह हमारा पूरा कार्यक्रम ही बचाव के ऊपर ज़्यादा आधारित है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दांतों की और मसूड़ों की साफ़ सफाई रखना यह कई बीमारियों को बचा सकता है। इसके साथ ही अगर एक बार ट्रीटमेंट हो चुकी हो, वो रूट कनाल ट्रीटमेंट हो या मसूड़ों की ट्रीटमेंट हो, इसके बाद में अगर साफ़ सफाई न रखी जाए तो फिर से ये इन्फेक्शन हो सकता है। साफ़ सफाई रखने के लिए हमें दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत आवश्यक है। कई पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हम तो 2 बार ब्रश करते हैं फिर भी दांतों में गंदगी क्यों लगी हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रश करने का तरीका ऐसा है कि ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे ऐसा रखा जाए कि आधे ब्रिसल्स मसूड़ों पे और आधे ब्रिसल्स दांतों पे हो। फिर हल्का हल्का ब्रश को वाइब्रेटरी मोशन देके, यानी आगे पीछे करके उसको नीचे की ओर घुमाया जाए। इस तरीके से सभी ऊपर के दांतों को ब्रश किया जाए। फिर नीचे के दांतों पे भी ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रख के, जब आधे ब्रिसल्स मसूड़ों पे और आधे ब्रिसल्स दांतों पे हो, उनको हल्के हल्के आगे पीछे घुमाया जाए और ऊपर की ओर धकेल दिया जाए। ऐसे ही अंदर से दांतों की सफाई की जाए, नीचे के दांतों की भी अंदर से सफाई की जाए, तो हमें इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन यह ब्रश करने का सही तरीका है।
इसके साथ में दिन में 2 बार मसूड़ों की मालिश करनी जरूरी होती है, ऊपर के मसूड़ों को नीचे की तरफ और नीचे के मसूड़ों को ऊपर की तरफ उंगली से, कोई दवाई न लगाते हुए वैसे ही मसूड़ों को एक हल्की सी मालिश देने की ज़रूरत होती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कुछ भी खाने या पीने के बाद में अगर कुल्ला कर लिया जाए तो उस अन्न के कण या उस खाने की परत दांतों पे नहीं रहेगी, तो जंतु को पोषण तत्व नहीं मिलेंगे और वो जंतु वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यह सब प्रक्रिया, यह सब कोशिशों द्वारा हम लोग दांतों का मेंटेनेंस रख सकते हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस पूरी प्रक्रिया को 3 से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये होता है कि जब सुबह स्कूल की बहुत जल्दबाजी होती है तो जो सबसे पहली चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो समझौता किया जाता है, वो दांत की सफाई से, कि फटाफट मुंह में ब्रश घुमा लिया, फटाफट कुल्ले कर लिया, हमारी सफाई हो गई, एक हमारी तसल्ली हो जाती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। पर साथ में एक दर्शक का जो प्रश्न आया है, उन्होंने पूछा है कि एक माउथ वॉश और फ्लॉसिंग, इसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सर, माउथ वॉश और फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रशेस, जो कि इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स है, दांतों के बीच में सफाई करने के एक स्पेशल उपकरण है, इनका इस्तेमाल सिर्फ डेंटिस्ट की सलाह से किया जाना चाहिए, डेंटिस्ट द्वारा बताए गए तरीके से किया जाना चाहिए और जितने समय के लिए डेंटिस्ट बोलते हैं उतने समय के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़्यादा करने के अपने अलग दुष्परिणाम होते हैं, और साथ ही अगर आपको ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप फ्लॉसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं मसूड़े को हम लोग डैमेज कर लें। तो आपके दांतों की बनावट के हिसाब से उसके अनुरूप इंटरडेंटल ब्रश, फ्लॉस या और कोई उपकरण की ज़रूरत है या नहीं, ये आप आपके डेंटिस्ट से सुझाव ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करें, ताकि अगर कहीं इन्फेक्शन या कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो उसी जगह पे डेंटिस्ट आपको मदद कर सके, आपको बता सके और बड़ा काम होने से बचा सके। यह सबसे महत्वपूर्ण है जब हम मेंटेनेंस फेज की बात करते हैं। तो यानी जो कहीं नेट पर आ रहा है या कहीं किताबों में आ रहा है कि फ्लॉसिंग के बारे में कोई जानकारी है या उसके लिए कुछ सलाह दी जा रही है, तो हम ये समझे कि बिना डेंटिस्ट के सलाह के लोगों ने अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो फायदे की बजाय नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। और जिस तरह से माउथ वॉश आपने कहा, अगर सादे पानी कुल्ले अगर हम कर लें तो उतने पर्याप्त है, उतना सफिशिएंट जी, वो सब एकदम पर्याप्त है, माउथ वॉश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग हर बार खाने के बाद कुल्ले करते रहेंगे तो। मित्रों, सुनने में बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अगर हमें कोई तकलीफ नहीं भी है तो हमें नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए, 3 महीने 6 महीने, जिस तरह से हमसे डेंटिस्ट हमारे मित्र कह रहे हैं कि उस तरह से कराना चाहिए। बात सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन जोर दे के कहा गया है कि इन विजिट में जो डेंटिस्ट का चेकअप होगा तो ऊपरी लक्षण न होते भी अगर कोई बीमारी होती है तो ये हमारे एक्सपर्ट उसको पकड़ सकते हैं, और जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उतनी आगे की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से हम बच सकते हैं। तो ये निश्चित तौर से हमारे हित में है कि हम हमारे एक्सपर्ट की सलाह माने और उनकी सलाह का बराबर पालन करें। मित्रों, कार्यक्रम हमारी तरफ से हमने पूरी तरह से रोचक और जानकारी देने वाला बनाया है, लेकिन कार्यक्रम के विषय में आखिरी सलाह और आपकी राय आप ही की होगी, इसलिए स्क्रीन के दिखाए नंबर पर आप हमसे या तो प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं या मैसेज या व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमने कई बार अपील की है कि अगर आप कोई विषय पर सलाह चाहते हैं, किसी विशिष्ट एक्सपर्ट को चाहते हैं, तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी उस विषय या उस एक्सपर्ट को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को हमारी हमेशा से शुभकामना होती है कि आपका भविष्य वर्तमान से अधिक कल्याणकारी और स्वास्थ्यवर्धक हो, और आज ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आपको पूरा मुँह खोलने की आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है, तो आप पूरा मुंह खोल के हंसिए, खिलखिलाइए और अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न और आनंदित रखें। घड़ी की सुइयां हमसे कह रहे हैं कि विदा का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और डॉक्टर समीर जी और डॉक्टर मनमोहन जी, इतने आसान तरीके से इतने जटिल विषय के ऊपर जो हमारे दर्शकों आपने मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हृदय से हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।